Declaring structure variable. We can declare a variable for the structure so that we can access the member of the structure easily. ठीक है, हम लोग एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसके थ्रू हम लोग उस क्लास के मेंबर को हम लोग इजीली एक्सेस कर पाए। ठीक है, देर आर टू वेज टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। ठीक है, दो तरीके होते हैं वेरिएबल के स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के। ठीक है, सबसे फर्स्ट मेथड है बाय स्ट्रक्ट कीवर्ड विद इन मेन फंक्शन। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करके हम लोग मेन फंक्शन के अंदर उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है बाय डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर, जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे उसी समय हम लोग स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या किए हैं, एक स्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट किए। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा स्ट्रक्ट जो हमारा कीवर्ड है, और यहाँ पे हमने लिखा इस स्ट्रक्चर का नेम जो हम लोग ने यहाँ पे एम्प्लॉय दिया। फिर वहाँ पे हम लोग ने तीन मेंबर यहाँ पे क्रिएट किए, इंट आईडी, कैर नेम, और कैर नेम का साइज जो है 50 है, मीन्स इसके अंदर 50 कैरेक्टर्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं। देन उसके बाद फ्लोट सैलरी, तो इस प्रकार से हमने तीन मेंबर इसके अंदर क्रिएट कर लिया और इसको हम लोग ने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिया और लास्ट में लगा दिया सेमीकोलन। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए ये मेन के बाहर में होगा, जैसा हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते थे वैसे ही हम लोग स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, तो ये मेन के बाहर में होगा। नाउ राइट गिवन कोड इनसाइड द मेन फंक्शन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कैसे बनाएंगे, जैसा हम लोग नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे, बस यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर से हम लोग ने यहाँ पे बनाया है ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जो यहाँ पे एम्प्लॉय हमने स्ट्रक्चर बनाया है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, तो हम लोग अगर किसी भी डेटा टाइप का अगर वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, डेटा टाइप का नेम लिखते हैं जो हमारा यहाँ पे एम्प्लॉय है, देन उस पर एक स्पेस देते हैं और वेरिएबल नेम हम लिखते हैं, तो E1 कॉमा E2, ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल बन गया। अब वेरिएबल में जो डेटा टाइप यहाँ पे यूज हो रहा है वो किस टाइप का है, स्ट्रक्चर है, वो क्या है, एक स्ट्रक्चर है, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रक्चर का। The variables E1 and E2 can be used to access the values stored in the structure. Here, E1 and E2 can be treated in the same way as the object in C++ and Java. ठीक है, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, E1 और E2 जो वेरिएबल है, E1 के अंदर तीन मेंबर के डेटा अवेलेबल होंगे, ID, नेम, सैलरी। ठीक है, इसकी वैल्यूज अलग होगी। E2 जो है, E2 के अंदर भी ID, नेम, सैलरी अलग होगा, मीन्स E1 के अंदर ये तीनों अवेलेबल होंगे, E2 के अंदर भी ये तीनों अवेलेबल होंगे। ठीक है, ID में मान के चलो हम लोग E1 में डाल दिए 1 और नेम डाल दिए अरविंद। ठीक है, सैलरी डाल दिए 50,000। ठीक है, E2 में हम लोग क्या डाल दिए, ID = 2, नेम डाल दिए, यहाँ पे किसी का भी नाम नेम ले लेते हैं, जैसे युवराज। ठीक है, युवराज हम लोग ले लिए, सैलरी है उसका 60,000। ठीक है, तो हम लोग Employee 1, Employee 2 दोनों के लिए अलग अलग डेटा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड है जिसको हम लोग मेन के अंदर में बनाते हैं, मेन फंक्शन के अंदर में वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लोग सेकेंड मेथड में क्या कर रहे हैं, लेट सी अनदर वे टू डिक्लेयर वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर। जब हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे उसी समय हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा हुआ है पहले से। ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर एम्प्लॉय हमने बनाया। ठीक है, इंट आईडी, कैर नेम, फ्लोट सैलरी। ठीक है, ब्रैकेट हमने क्लोज किया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम लोग कीवर्ड एक साथ अप्लाई कर दिए इस स्ट्रक्चर डेफिनेशन पे भी और वेरिएबल पे भी, तो हम लोग यहीं पे इसका वेरिएबल क्रिएट कर दिए E1, E2, और उसके बाद लगा दिए सेमीकोलन।
ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम लोग यहाँ पे एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से दोनों में से अप्रोच कौन सा अच्छा है वो हम लोग देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट फिक्स्ड, यूज द फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, इट प्रोवाइड्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर वेरिएबल मैनी टाइम्स। ठीक है, अगर हमें पता नहीं है कि कितने वेरिएबल्स उसके क्रिएट करने हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि उसमें दो वेरिएबल क्रिएट करना है, चार वेरिएबल क्रिएट करना है, छह वेरिएबल क्रिएट करना है, हम लोग को पता ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट अप्रोच का यूज़ करेंगे। ठीक है, इफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर फिक्स्ड, यूज सेकेंड अप्रोच। इट सेव्स योर कोड टू डिक्लेयर वेरिएबल इन मेन फंक्शन। ठीक है, अगर हमें पता है कि उसके अंदर दो ही वेरिएबल क्रिएट करने हैं, ठीक है, नंबर फिक्स है, ठीक है, दो वेरिएबल क्रिएट करना है या पांच वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारा कोड जो है, ठीक है, उसको मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करने से बचाएगा। ठीक है, सेव कर देगा। ठीक है, तो ये दो अप्रोच थे जिसके थ्रू हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेसिंग मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर, देयर आर टू वेज टू एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर्स। ठीक है, दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स होते हैं मेंबर को एक्सेस करने के। ठीक है, सबसे फर्स्ट मेथड बाई डॉट। ठीक है, ये डॉट सिंपल डॉट नहीं होता, ये ऑपरेटर होता है, इसको हम लोग डॉट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, बाय डॉट ऑपरेटर, ठीक है, या फिर बाय स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर। ठीक है, इस प्रकार का डैश लगाते हैं, उसके बाद एंगल ब्रैकेट हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर। ठीक है, या तो हम लोग डॉट ऑपरेटर से कर सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर डॉट ऑपरेटर अगर हम लोग यूज़ करेंगे, तो जैसे P1 हमारा कोई भी एक वेरिएबल है, यहाँ पर जैसे P1 ना लिखे हम लोग E1 कर देते हैं, E1। अरे ठीक है, E1 हमारा क्या है, वेरिएबल है, इवेंट E1.id। इस प्रकार से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, E1 क्या है, E1 वेरिएबल है, किसका वेरिएबल है, एम्प्लॉई स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। ठीक है, उस वेरिएबल के अंदर तीन चीज़ें अवेलेबल है, आईडी, नेम और सैलरी। ठीक है, थ्री मेंबर्स अवेलेबल है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग मेंबर यहाँ एक्सेस कर रहे हैं विथ डॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं बाय डॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल में हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड string.h हमने इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे हमने दो मेंबर लिया है, इंट आईडी कैर नेम ऑफ साइज 50। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एट द टाइम ऑफ स्ट्रक्चर डेफिनेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफाइन करते समय ही हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, ये मेन के बाहर में, जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया वो मेन के बाहर में है, मेन के अंदर में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मेन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ वेरिएबल बना लिए हैं हम लोग डायरेक्ट इसको एक्सेस करेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे, इवेंट e1.id इक्वल टू 101, e1.id इक्वल टू 101। ठीक है, e1 के अंदर में आईडी अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, 101 को किस में इनिशलाइज कर देगा, e1 के आईडी में, E1 वेरिएबल के आईडी में 101 को स्टोर कर देगा। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बनाते हैं E2। ठीक
ठीक है, और मैं यहां पे लिखता हूं e2.id=102, ऐसा। तो दोनों सेपरेट सेपरेट आईडी में, सबसे सेपरेट सेपरेट वेरिएबल में स्टोर होता है, ये e1 की आईडी में स्टोर हो रहा है, ये e2 की आईडी में स्टोर हो रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो e1 के लिए अलग मेमोरी एलोकेट होगा, e2 के लिए अलग मेमोरी एलोकेट होगा, ठीक है, दोनों अलग अलग किए जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिलहाल हटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से भी वेरिएबल हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग कॉपी हम लोग यहाँ पे यूज किए, ठीक है, इवन डॉट नेम, और यहाँ पे हम लोग सोनू जायसवाल करके एक नाम ले लिए हैं टेम्प्रेरी, और इसको हम लोग कॉपी कर रहे हैं, स्ट्रिंग कॉपी हम लोग यहाँ पे यूज किए। ये नेम किसके अंदर कॉपी हो जाएगा, इवन डॉट नेम के अंदर कॉपी हो जाएगा, ठीक है, इवन डॉट नेम, इवन डॉट नेम, ठीक है, इवन के नेम मेंबर के अंदर ये सोनू जायसवाल जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे लिया है वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है, कॉपिंग स्ट्रिंग इनटू कैर एरे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आईडी को भी इनिशियलाइज कर लिया है, नेम को भी इनिशियलाइज कर लिया, दोनों को इनिशियलाइज हमने कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ हमने लिखा employee1id%d/n, और यहाँ पे event.id, फिर उसके बाद हमने क्या किया, printf employee1name%s, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और event.name, ठीक है। तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का आउटपुट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, employee1id 101, employee1name सोनू जायसवाल, ठीक है। हमने यहाँ पे डॉट ऑपरेटर से इसको एक्सेस किया और इसको इनिशियलाइज किया, ठीक है, यहाँ पे भी हमने डॉट ऑपरेटर से इसको इनिशियलाइज किया और डॉट ऑपरेटर से ही हम लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो E1 के अंदर आईडी अवेलेबल है, E1 के अंदर नेम अवेलेबल है, तो हम लोग डॉट ऑपरेटर से उसको एक्सेस कर सकते हैं।